गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 8.4 का ए और बी पार्ट। क्लास फोर्थ EX 8.4 ए पार्ट, ये आपने इसके अंदर सिंबल भरने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका 3x7, बीच में बॉक्स दिया है 2x7। इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, जिस फ्रैक्शन के कोई दो या तीन फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर अगर सेम दिए हुए हैं, न्यूमेरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ी है, ठीक है। और न्यूमेरेटर सेम हो तो डेनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो बड़ी होती है, तो 3x7 है जो बड़ी है। नेक्स्ट है 1 integer 3x11, 2 integer 5x11। अगर हम ये जो आगे लिख रहे हैं इनको छोड़ दें तो इसमें देखो ये 3 है, यहाँ 5 है और ये दोनों है जो सेम है, ठीक है। लेकिन देखने से पता लगता है कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये फ्रैक्शन है जो बड़ी है। आगे है 2x3, बीच में बॉक्स है 4x5। इसमें आपने क्या करना है, 2x3 4x5, 3 और 4 की मल्टीपल, ठीक है, और 2 और 5 की मल्टीपल, 2 और 5 की मल्टीपल 10, 3 और 4 की 12, यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू तो आई है 12 और इसकी आई है 10, तो बड़ी ये हुई इस तरह। तो इसमें आपने ऐसे सिंबल बनना है। आगे है 1x12, बीच में बॉक्स है 1x6। अब 6 और 1 की मल्टीपल 6, 12 और 1 की मल्टीपल 12, तो बड़ी कौन सी हुई, ये फ्रैक्शन है जो बड़ी है, तो यहां आपने इसे सिंबल भर देना है। नेक्स्ट है 5x9, बीच में बॉक्स है 20x23, 23 और 5 की मल्टीपल 115, 9 और 20 की मल्टीपल 180, इसकी वैल्यू आई 180, इसकी आई 15, ये फ्रैक्शन है जो बड़ी है, ठीक है। आगे है 16x5 और 16x3। पहले मैंने आपको बताया था अगर न्यूमेरेटर सेम हो तो डेनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, तो ये फ्रैक्शन है जो बड़ी है, ठीक है। और वैसे करेंगे तो कैसे, 5 और इसकी मल्टीपल और इसकी मल्टीपल, तो ये आएगा 48 और इन दोनों की मल्टीपल आएगी 80, तो इसकी वैल्यू 80, इसकी 48, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है जो बड़ी है। इसी तरह इसके आपने बाकी के पार्ट करने हैं। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द बॉक्स, यानी जो ग्रेटेस्ट है, जो बी पार्ट है उसका जो ग्रेटेस्ट है उस पर तो आपने ये सर्कल लगाना है, और जो स्मॉलेस्ट है उस पर लगाना है क्रॉस इस तरह। लेकिन मैं क्रॉस की जगह क्या लगा रहा हूं, बॉक्स लगा रहा हूं, जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उस पर ध्यान रखना ही है। तो पहला है 15x3, 19x3, 27x3, 52x3। तो जो ग्रेटेस्ट कौन सी है, ये है, इस पर आपने से सर्कल
और जो स्मॉलेस्ट है उस पर ये चाहे क्रॉस का निशान लगाओ या उस पर इस तरह ये बॉक्स लगाओ। ठीक है, अब इसी का पहले का बी पार्ट का सॉरी बी पार्ट का सेकंड सम है, उसमें क्या दिया हुआ है 5/9, 7/9, 3/7, 12/7। तो इन दो फ्रैक्शन के अंदर तो 9 है नीचे, इन दो में है 7, तो आपने इन सभी फ्रैक्शन को क्या करना है लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे, इन दोनों फ्रैक्शन को तो आप 9 से मल्टीपल करो और इन दोनों को करो आप 7 से, तो 5/9 को 7 से कितना हो गया 35/63, 7/9 को भी 7 से 49/63, 3/7 को 9 से 27/63, 12/7 को भी 9 से, दो फ्रैक्शन में जिनमें 7 नीचे है उनको 9 से मल्टीपल, जिनमें 9 नीचे है उनको 7 से मल्टीपल, 108/63। देखो सब का डेनोमिनेटर 63 हो गया है, यानी लाइक फ्रैक्शन में चेंज होगी। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सी फ्रैक्शन, न्यूमेरेटर किसका बड़ा है, वो फ्रैक्शन बड़ी है, तो इस फ्रैक्शन का न्यूमेरेटर 108 है और वो है 12/7, तो इस पर आपने क्या करना है इस तरह सर्कल लगाना है। और जिस फ्रैक्शन का न्यूमेरेटर सबसे कम है वो सबसे छोटी है, तो उस पर चाहे क्रॉस का निशान लगाओ चाहे बॉक्स का निशान लगाओ, इस तरह करना है। ठीक है, इसमें से एक समय और कर देता हूं, थर्ड देखो इसी का 3 integer 1/4, 8 integer 3/4, 3 integer 4/5, 6 integer 2/5। पहले मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो, 13/4, 32/3, 35/4, 15/4, 19/5, 32/5। तो दो फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है 4, दो का है 5, तो आपने इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, इन दोनों को आपने 5 से मल्टीपल और इन दोनों को 4 से मल्टीपल, 13/4 को 5 से, 65/20, 35/4 को 5 से, 175/20, 19/5 को 4 से, ये बनेगा 76/20 और 32/5 को भी 4 से मल्टीपल करना है, ये बनेगा 128/20। अब देखो 20, 20, 20 और 20, सबके लाइक फ्रैक्शन बन गई है, डेनोमिनेटर सेम है। अब देखो न्यूमेरेटर कौन सी फ्रैक्शन का बड़ा है, इसमें 65, इसमें 175, इसमें 76, इसमें 128, तो इस फ्रैक्शन के का न्यूमेरेटर जो बड़ा है और वो है 35/4, यानी ये फ्रैक्शन है जो सबसे बड़ी है। अब जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो सबसे छोटी है, इसकी 65 है, तो इस पर चाहे क्रॉस लगाओ चाहे बॉक्स लगाओ। ठीक है, ये सारा फेयर काम है, इसी तरह आपने अपने फेयर नोटबुक में करना है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है। अब फिफ्थ में देखो सबके डेनोमिनेटर सेम है, मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करके जिसकी वैल्यू जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है उस पर आपने सर्कल लगाना है, जिसका डेनोमिनेटर सॉरी न्यूमेरेटर बड़ा है उस पर सर्कल लगाना है और न्यूमेरेटर छोटा है उस पर क्रॉस या बॉक्स का निशान लगाना है। इसी तरह सिक्स्थ है, सबके डेनोमिनेटर सेम है, मिक्सर फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है,
और फिर उसके बाद देखो किसका न्यूमेरेटर बड़ा है उस पर है सर्कल और जिसका न्यूमेरेटर छोटा है उस पर है बॉक्स। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज के आपने ए और बी दो पार्ट कंप्लीट करने हैं। इसी का मैं जो फोर्थ सम है वो दो कर देता हूं, ध्यान से देख लेना। बी पार्ट का फोर्थ सम है जो 9 integer 2 by 3, 7 integer 5 by 6, 4 integer 1 by 3, 3 integer 7 by 8। पहले मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो, ये बन गया 27 और 2 29 by 3, 47 by 6, 13 by 3। ठीक है, और 31 by 8। तो देखो चाहे तो हम इसका एलसीएम लेकर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनको लाइव फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 24, 3 6 3 8 का, ये फेयर काम है आपका। 2 से करेंगे 3 3 4, फिर 2 से करेंगे 3 3 3 2, फिर 2 से करेंगे 3 3 3 1, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। ठीक है, और इन सब की मल्टीपल जो करेंगे 2 multiple 2 multiple 2 multiple 3, यानी 24, जो एलसीएम है वो कितना आया है, 24 आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको लाइव फ्रैक्शन में चेंज करो, चाहे यहां 24 लिखो एलसीएम को, एलसीएम को आपने डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है, एलसीएम को आपने डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आता है उसके साथ न्यूमेरेटर की मल्टीपल करनी है। एलसीएम 24, 3 से डिवाइड करेंगे 8, 8 किसके साथ मल्टीपल, 8 9 72, 7 कैरी, 8 2 16 और 7 20 3, 6 से इसको डिवाइड करना है 4, 4 किसके साथ मल्टीपल 168, 88, 3 से 8, 8 किसके साथ मल्टीपल 104, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 3, 3 की इसके साथ मल्टीपल 93। अब देखो किस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 232 इस फ्रैक्शन की है, तो ये फ्रैक्शन है जो सबसे बड़ी है, और किसकी सबसे कम है वो ये है, इस पर आपने इसे बॉक्स लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट है जो आपने कंप्लीट करना है, ये सारा फेयर नोटबुक में होना चाहिए।